हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और हाँ फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, मैंने कई दिन हो गया ब्लॉग नहीं बनाया, पर क्या करूँ, ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी सामने कि मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। मैंने आपको मैसेज कर दिया था कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन फ्रेंड्स मैं नहीं बना पाई। उसके लिए आई एम सॉरी, आप लोग मुझे माफ़ कर देना, कोई नाराज़ मत होना। मुझे तो डर लगता था कि आप कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाओ, लेकिन हाँ मुझे ये भी उम्मीद थी कि आप लोग मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते हो। और मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, बट मैं नहीं बना पाई। बहुत कोशिश किया पर भी नहीं बना। घर में बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी इस वजह से ना। मैंने बर्तन धुल के रख दिया, 2-3 दिन हो गया था बर्तन नहीं लगा था, तो बस मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए थे। तो सोची लाओ सारे बर्तन लगा दें, तो बस मैं यही कर रही हूँ, सारे बर्तन को अपने अपनी जगह पे लगा रही हूँ। क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो पूरा व्यवस्था जो होता है उलट पुलट जाता है, सब कुछ उल्टा पुलटा हो जाता है। बस यही मेरे साथ भी था। मैंने मैसेज तो कर दिया था कि आज मैं ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन नहीं बना पाई। आप लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते कि दी आपका ब्लॉग नहीं आया, लेकिन फ्रेंड्स क्या करूँ, ऐसी ऐसी मुसीबत हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते ना कुछ कह भी सकते हैं। बस मेरे साथ वही घट रहा था, मैं क्या करती, क्या कैसे कहती। बस इसी कारण से मेरा ब्लॉग नहीं आया। तो मैं आज कई दिनों के बाद ब्लॉग बना रही, तो प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। तो हाँ फ्रेंड्स, आप लोग पूरा देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। और मैं यहाँ बर्तन लगा रही हूँ, इसके बाद में मुझे कपड़े भी लगाना है अलमारी में। तो मैं आप सबके साथ तो शेयर करूँगी, मैं सारे कपड़े समेट के आज रखूँगी। और मैंने कोई रेसिपी अपने वीडियो में आज नहीं शेयर की है, मेरा मन नहीं हुआ कुछ बनाने का तो मैंने शेयर नहीं किया। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप सबका मैसेज देखकर बहुत खुशी मिलती है कि आप सब मुझे इतना प्यार देते हो, मेरा इतना ध्यान रखते हो। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबका जब कमेंट हम पढ़ते हैं, बहुत प्यारा लगता है। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी से अच्छी और रोज़ ब्लॉग डालूं, रोज़ डालूं, लेकिन क्या करूं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं नहीं डाल पाती हूं। तो बस हमारे जितने बर्तन थे सब लग चुके हैं, कुछ बर्तन हमारे सिंक में अभी पड़े हैं जो मुझे धुलना है। यहां मैंने कोशिश की कि अपनी अलमारी साफ कर दूं, उथल पुथल गए थे सारे कपड़े, बार बार निकाला करो तो सब इधर उधर हो जाते हैं। तो बस मैं आ गई हूँ अलमारी साफ करने के लिए। तो बस जो हमारी साड़ियाँ थी पहनते नहीं है पर अलमारी में भरी रखी रहती है, तो बार बार जब कपड़े निकालते हैं तो इधर उधर हो जाता है, तो मैंने उठा करके उसे सब अपने अपने जगह पे रखना है। तो मैं उसकी तही लगा रही हूँ, तही लगा लगा के अपने अपने जगह पे रख दूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 ढेर सारा धन्यवाद। तो बस मैं यहाँ पूरे जो हमारे पास साड़ियाँ हैं, वैसे सूट नहीं निकाले, जितनी साड़ियाँ हैं हस्बैंड की, कोट पैंट है, ये सब हम समेट के रख देंगे। और जो सूट था मैंने सूट नहीं निकाला है, सूट तो हमारे समेट रखे हैं, क्योंकि कंटिन्यू सूट पहनते रहते तो समटा रहता है, जो नहीं पहनते हो तो अच्छे से रखा था, तो मैंने उसे नहीं निकाला। आप लोग बताना कि हमारी साड़ी कैसे लगी। और हाँ भैया, एक हमारे जो प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है मोहम्मद रियाज, आप मेरा बहुत केयर करते हो, इसके लिए बहुत बहुत भैया धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा वीडियो अच्छे से देखना
और इतना ज़्यादा अच्छे से देखते हो, इतना प्यारा कमेंट करते हो, इसके लिए मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आपका कमेंट तो पढ़कर मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। वैसे तो पूरे सब्सक्राइबर हमारे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, लेकिन जो हमारे मोहम्मद रियाज भैया, उनका कमेंट कुछ और बहुत प्यारा होता है। आप सब देखना कि उनका कितना प्यारा कमेंट होता है। तो भैया इतना ज़्यादा केयर करने के बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगता है जैसे अपने घर के मेरे खुद के आप भाई हो, जो इतना ज़्यादा मुझे केयर करते हो। मुझे बिल्कुल वैसे ही लगता है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे पास मेरे खुद के भाई हो। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा। वैसे आप क्यों ना अच्छा लगे, आप ऐसे ही कमेंट भी करते हो, ऐसे मुझसे बातें भी करते हो, तो मुझे अच्छा तो लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं ऐसे सारे जो मेरे पास साड़ियाँ हैं उसको ऐसे तही लगा के अलमारी में लगा देंगे फटाफट करके, उसके बाद में आप सबको दिखाएंगे कि हमने कैसे लगाए कपड़े पूरा। वैसे जब अलमारी हम खाली करते हैं तो उसमें बहुत सारे कपड़े निकल आते हैं जो हम कभी यूज करते हैं, नहीं भी यूज करते हैं। और वैसे मेरी अलमारी तो देखने में अच्छी है, पर पता नहीं कहाँ से इस अलमारी में चूहे बहुत घुस आते हैं। वैसे तो जब भी अलमारी हम साफ करते हैं तो एक आधा कपड़े चूहे काट डालते हैं, हमारे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है। तो अगर आप लोग भी चाहोगे कि मैं आप सबका नाम लूँ अपने वीडियो पे, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना, जिनको जिनको पसंद है कि मैं अपने वीडियो में उनका नाम लूँ, तो प्लीज़ आप लोग बताना। मैं पूरे जितने सब्सक्राइबर हमारे कहेंगे मैं सबका अपने वीडियो में नाम लूँगी। तो हाँ फिर से देखिए मेरी अलमारी लग गई। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय बाय।